बाकी तस्वीरें आप एक बार और देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने जब बताया कि इस संबंध में उत्पीड़न की कोई बात कैसे आपने समझ ली, उसका वारंट है, उसको वारंट तामील के लिए हम उसके जानकारी कर रहे थे, लेकिन जब उसके द्वारा नहीं बताया गया तो उसके स्वयं उसने वहां से अपने और लोगों को बुलाया और बताया कि मिट्टी का तेल लाओ और इनमें आग लगा दो और बताया कि पुलिस ने हमारे साथ अभद्रता की और हमारी दुकान में आग लगाई। मार देंगे लाठी तो यही नाच के गिर जाओगे, गोली मार देंगे तो दुकान उकान सब धरी की धरी रह जाएगी। जी हाँ, हाव भाव और पिस्टलबाजी से तो यही लग रहा है। तस्वीरों में दिख रहे ये मथुरा के परम प्रतापी और जनता के बीच अपनी जाहिलियत का खुला मुजाहिरा करने वाले वर्दीधारी चौकी इंचार्ज श्रीमान विपिन कुमार है। गरीबी इतनी है इनके पास कि स्वेटर और जैकेट भी खरीदने के पैसे नहीं है। हालांकि दारोगा जी गच्चा खा गए सीसीटीवी से, वरना उसे भी तोड़ ही देते। खैर कोई बात नहीं, दरोगा की दरोगाई तो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, वो चाहे तो अपना सम्मान समझकर इसको स्टोर कर ले। खैर हरगोविंद ने थक हार कर शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई ना होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसा भी क्या हरगोविंद, भीख ही समझ कर भूल जाइए और स्वेटर और जैकेट का नुकसान खुद ही उठा लीजिए। पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर देंगे। भारत समाचार के लिए मथुरा से मोहन श्याम शर्मा की रिपोर्ट। नहीं बिल्कुल, हर बिंग हर